जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। इसमें बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड वाला चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का हमने लेंथ और एक्सटेंशंस को देख लिया, अब हम बात करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। सब पता है, हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली ग्रे और वाइट मैटर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसका मिलके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, अब ग्रे ग्रे क्यों होता है, वाइट वाइट क्यों होता है? क्वेश्चन इज दिस, एक्चुअली में ग्रे मैटर इसलिए होता है कि ये एक्चुअली कलेक्शन होती है सेल बॉडीज़ की, जिसमें न्यूक्लियस होता है जो कि ग्रे कलर में आता है। डेट सेट, अगर हम कहें कि वाइट क्यों होता है, वो एक्चुअली जितने भी प्रोसेसेस बच जाते हैं एक्सॉन डेंड्राइट्स उनके एक्यूमुलेशन से बनता है जो कि माइलेटेड होते हैं, स्पेशली लिपिड कंटेनिंग, तो इसलिए वो अपेयरेंस देते हैं वाइट कलर की। ओके जी, अब ग्रे मैटर किस तरह से वो बनाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये सपोज करें हमारे पास एक ग्रे मैटर है, ठीक है जी। अब ये जो डार्कन किया हुआ है ये हमारे पास ग्रे मैटर है, एंड जो सारे का सारा बाकी है वो वाइट मैटर है। ये हमारे पास सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, अब जो हमारे पास एंटीरियरली हम देखा जाए तो एंटीरियर पार्ट है ये हमारे ग्रे मैटर का, ये पोस्टीरियर है और यहाँ पे ये लैटरल हो गया। ओके, एंटीरियर हॉर्न इसलिए इसको कहेंगे हम, इसको पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर कहेंगे, इसको हम लैटरल हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर। ठीक हो गया, पोस्टीरियर एंटीरियर लैटरल। अब ये गोल सा दायरा क्या है एक्चुअली में, इसमें बिल्कुल मिडल में एक होता है ग्रे कमीशन जो दोनों साइड्स के राइट एंटीरियर और पोस्टीरियर को कनेक्ट कराता है, इसको हम कहते हैं ग्रे कमीशन, ठीक है जी। और इसके बिल्कुल मिडल में एक गैप होता है सेंट्रल किनाल, इसको हम कहते हैं सेंट्रल किनाल। जितने भी फाइबर्स या ट्रैक्स एक दूसरे से डीकसेट करते हैं, डीकसेट का मतलब होता है यहाँ से आ रहे हैं दूसरी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्पोज आया है और यहाँ पे ट्रैवल कर, तो ये इसके एंटीरियरली या पोस्टीरियरली करते हैं ना कि इसके मिडल में, तो ये इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं ग्रे मैटर के ऊपर जल्दी से। अच्छा, ग्रे मैटर एक एंटीरियर कॉलम होता है एक पोस्टीरियर कॉलम होता है, उनको कनेक्ट किया गया होता है ग्रे कमीशन के थ्रू जो कि सेंट्रल किनार रखता है, ठीक है जी। लैटर हॉर्न की बात हो गई। अच्छा, अब जो हमारे पास लैटर हॉर्न होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं थोरेसिक प्लस लंबर सेगमेंट में बेसिकली, बाकी वेरी करते हैं और मे बी एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर मैटर करती है कि वो कितना कहाँ पे इनर्वेशन दे रही है। लाइक मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जो हमारे पास लंबर रीजन और सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे इनलार्जमेंट थी, वो इनलार्जमेंट एक्चुअली ग्रे मैटर के ज़्यादा होने की वजह से थी। वो ज़्यादा इसलिए थी कि सर्वाइकल रीजन में हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड लंबर रीजन में हमारे पास लंबोसैक्रल प्लेक्सिस था, और वो जितनी ज़्यादा इनोवेशन दे रहा था उस वजह से उसका साइज वहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा था। ओके, देन हम बात करते हैं कि जी ग्रे मैटर जो है वो अक्यूमुलेशन, आपको मैंने बता दिया वो सेल बॉडीज की होती है, और बाकी जो है वाइट मैटर वो अक्यूमुलेशन। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो सामने की तरफ से ऊपर से डिप्रेशन नीचे आ रहा है वो बेसिकली दो सेरेब्रम को डिवाइड कर रहा है, इसी तरह जो मिडल में है वो टेंटोरम सेरेब्रम है, ऊपर फॉक्स सेरेब्रम है, और टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो जो ट्रांसवर्स साइनस के नीचे है वो फॉक्स सेरेब्रम है। ट्रैक्स होंगे वो हमारे वाइट कॉलम से गुजरेंगे ना के ग्रे से, ग्रे का जस्ट एक से दो न्यूक्लियर यूज होते हैं एक ऑर्डर न्यूरॉन बनाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम बात करें एंटीरियर ग्रे कॉलम की तो उसमें बेसिकली दो तरह के आते हैं, एक लार्जर मल्टीपोलर एक स्मॉलर मल्टीपोलर, दोनों के दोनों एक्सॉन देते हैं यानी टेकिंग इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, मतलब ये कि अगर हमारे पास ये एक सेल बॉडी है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन अवे जा रही है तो ये एक्सॉन लेके आएगा, और अगर इसकी तरफ आ रही है तो डेंड्राइट लेके आएगा, डेट्स इट। अच्छा, अल्फा ईफ्रेंट, ईफ्रेंट मतलब ले जाने वाले, ये अल्फा ईफ्रेंट देते हैं मल्टी, और ये गैमा ईफ्रेंट देते हैं, ये इनर्वेट करते हैं स्केलेटल मसल्स को, जितने भी बॉडी के लिम्स के मसल हैं या एब्डोमिनल मसल्स हैं, और ये इनर्वेट करते हैं हमारे इंट्राफ्यूजल मसल ऑफ द न्यूरोवास्कुलर फाइबर्स को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स करते होती है, इसमें अरेंजमेंट जो है बेसिकली वो इस तरह से होती है कि वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। वो किस तरह डिवाइड होते हैं, एक हमारे पास आता है मीडियल, एक आता है सेंट्रल, और एक आता है लैटरल ग्रुप, ठीक है जी। अब जो मीडियल ग्रुप है वो हमारे बेसिकली एक्सियल स्केलेटल को मसल्स को सप्लाई करता है, नेक ट्रंक इंटरकोस्टल एक्स्ट्रा। जो लैटरल ग्रुप है वो किस किस को सप्लाई करता है, लैटरल ग्रुप एक्चुअली में हमारे पास सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट की वजह से बेसिकली इन दो रीजन में ही ज़्यादा सप्लाई करता है।
इसके भी फ्यूदर सब डिविजन हैं जो कि शायद बुक में मैंशन ना हो, आप देख लीजिएगा, आप वैसे भी रख सकते हैं। या अब जो एंटीरो लेटरल है वो बेसिकली हमारे आर्म्स प्लस ग्लूटियर रीजन प्लस थाई प्लस शोल्डर। अब देखना है आपने कैसे हो रहा है, पहले शोल्डर आते हैं हमारे, नीचे ग्लूटियल आता है, फिर आर्म आते हैं, नीचे थाई आता है, तो यहाँ तक थाई तक आके एक रो गया, फिर पोस्टीरियर लैटरल दूसरा, फिर आते हैं फोर आर्म और नीचे आती हैं लेग्स, तो पोस्टीरियर लैटरल वहाँ पे, रेट्रो डोर्सल लैटरल कहाँ पे, सबसे एंड पे हैंड्स बच जाते हैं और फीट बच जाते हैं नीचे, डेट्स इट। एंटीरियर मेडिएट जो सेंट्रल है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, बेसिकली वो एक्सेसरी मसल को सप्लाई करता है, जिसमें फ्रेनिक आ जाता है, एक्सेसरी जो है हमारे एक्सेसरी मसल आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा गया, ठीक है। तो और लंबोसैक्रल, लंबोसैक्रल की अननोन है, जो फ्रेनिक है ओब्वियसली वो डायफ्राम को और एक्सेसरी में ट्रपेजियस को और साथ स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल को सप्लाई कर रहा होता है। ओके, पोस्टीरियर हॉर्न की बात करते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न में हमने बेसिकली जस्ट जो है वो नाम्स को जाहिर करना है, बाकी इसके फंक्शन और पोजीशन में आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।